एवरीवन, वेलकम टू शिप्रा गारू होममेड फूड। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो। तो आज गणपति का पहला दिन है, ऐसा तो मोदक हर कोई बनाते हैं, हर एक वैरायटी का बनाते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने लेके आई हूँ फ्राई वाला मोदक। तो फ्राई वाला मोदक कैसा बनाते हैं देखते हैं। और आप लोग हमारा चैनल में जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो हमारा देखिए। तो फ्राई मोदक बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए। ये हमने मैदा लिया है, ये हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। और इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो है, ये हमने एक चम्मच शुगर लिया है, चुटकी भर सॉल्ट लिया है और ये घी लिया है। घी को हमने थोड़ा सा गर्म करके लिया है। तो ऐसा गर्म कीजिए जैसा हम टच कर सकते हैं, इतना ही गर्म करना है। और हमें मैदा को लगाने के लिए हमें पानी चाहिए, तो हमने पानी लिया है। तो आइए हम पहले ये डाल देते हैं पूरा, और ये घी हम डाल देते हैं। घी हमने लगभग छोटा चम्मच का 2 चम्मच घी लिया है। तो ये घी डाल के हमें मैदा को अच्छे से मैल लगाना है मैदे पे। मैदे में जितना अच्छे से मैन लगा के हम मैदा गूंढेंगे तभी ये मोदक खस्ता बनेगा। तो मैदे में हमने अच्छे से मैन लगा दिया है, जैसे कि शुगर, नमक और घी डाल के हमने अच्छे से मैन लगाया है। ये है देखिए, ये मुट्ठी करने से मैदा ऐसा होएगा, तभी हमको समझ में आएगा जो ये अच्छे से मैन हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसा आटे का डो बनता है रोटी का, वैसा ही हमें ये हमारी डो तैयार हो गया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा के रखा है, ऐसा घी हाथ करके थोड़ा ऐसा लगा के रखना है और इसी तरह होएगा। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा कड़क नहीं, ऐसा ही होएगा। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं ढक के। मैदा तो हमने लगा के रख दिया है, और अंदर का स्टफिंग के लिए हमें जो चाहिए वो है, एक नारियल लिया है हमने, ये नारियल को हमने खींच के लिया है, और ये 50 ग्राम गुड़ लिया है, और हमने लिया है मनुका यानी किशमिश, और 6-7 हमने काजू लिया है, ये भी हमने छोटे छोटे काट के लिया है, और ये बादाम लिया है, 4-5 बादाम लिया है, ये भी हम काट लिया है, और ये चारोली लिया है। तो इतना ही सामग्री हमें लगेगा, और कढ़ाई में हमें थोड़ा सा घी लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही इतना ही घी लगेगा। तो ये हम डाल देते हैं, और टेस्टिंग के लिए हमें इलायची पाउडर लगेगा। ये हमने पाउडर को पाउडर करके लिया है, ये लास्ट में लगेगा। कढ़ाई गरम हो गया है, हमने घी 1 चम्मच डाला है, और ये जो ड्राई फ्रूट है ये हम फ्राई करके लेते हैं। फ्राई फ्रूट हमारा फ्राई हो गया है, ये हम निकाल के ले लेते हैं। तो इसी में हम ये नारियल डाल देते हैं, और साथ साथ में हमने गुड़ भी डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से हमें पकाना है। ये स्टफिंग हमारा बन के तैयार है, तो हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था ये हम डाल देते हैं, और उसमें स्वाद के लिए हमने ये छोटा इलायची का पाउडर, ये हम 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है। ये टेस्ट के लिए हम डालते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो ये बिल्कुल तैयार है स्टफिंग, ऐसा ही बनेगा, सूखा ही बनेगा, गीला नहीं रखना है। तो स्टफिंग हमारा ये तैयार हो गया है, हमने रखा है स्टफिंग इधर, और हम बनाने जा रहे हैं मोदक। तो मोदक के लिए हमने जो मैदा लगा के रखा था, ये मैदा का हमने थोड़ा पेड़ा जैसा बना के लिया है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लंबा करके ये मोल्ड के अंदर डालना है। तो इसके अंदर डालने से पहले हमने थोड़ा सूखा मैदा डाला है,
थोड़ा सा ही सूखा मैदा डालना है क्योंकि इसके अंदर चिपकेगा नहीं, इसीलिए। तो ये आप हम डाल देते हैं अंदर। ये डाल के थोड़ा सा घी हाथ करना है हमें, थोड़ा ही घी हाथ करना है, करके ऐसा प्रेस करना है। प्रेस करके चारों बाजू घुमा घुमा के इसको अच्छे से बनाना है इसी तरह। ठीक है, बन गया है। अब हमें इसके अंदर टॉपिंग डाल रहे हैं। जितना अंदर जाएगा उतना ही हमें डालना है। तो ये हम डाल दिया है। और थोड़ा सा मैदा हमें लेना है, ऐसा ऐसा ही करना है चपटा करके, फिर इसके अंदर डालना है। ये डाल के इसके अंदर अच्छे से प्रेस करना है। ये प्रेस किया, अभी धीरे धीरे ये खोलना है हमें। देखिए ये बन के तैयार है। इसी तरह हमें बनाना है तो इसी तरह हम बना लेते हैं सब। अभी जिनके पास समझो ऐसा मशीन नहीं है बनाने का, तो वो हाथ से भी बना सकते हैं। तो ऐसा एक पेड़ा लेने का, गोल गोल बाटी जैसा बनाने का हमें पहले। ये देखिए बाटी जैसा बन गया है। अब हम इसके अंदर ये टॉपिंग डालते हैं। ये टॉपिंग डाल के ऐसा तीनों अंगुली में हमें ऐसा ऐसा मोड़ना है, ऐसा मोड़ना है, ऐसा मोड़ना है, ऐसा 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 मोड़ के सबको एक ही साथ में लेके ऐसा घुमाना है इसी तरह। इसी तरह घुमा के ये जो चम्मच है इसमें ऐसा सेव दे सकते हो आप। देखिए ये बन के रेडी है। ये हाथ से भी आप बना सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम ये मोदक डालते हैं। गैस स्लो रखना है, ज्यादा फास्ट नहीं। इसी तरह हमें फ्राई करना है। तो ये फ्राई किया है मोदक, आप कम से कम एक हफ्ता तक रख सकते हो घर पे। तो आपका घर में समझो कोई मेहमान आया तो ये दे सकते हो रख के, क्या किसी के घर में भेज भी सकते हो। 7-8 दिन आप घर में आराम से रख सकते हो ये प्रसाद को। तो इसी तरह हमें फ्राई करना है, तो हम सब ऐसा ही फ्राई कर लेते हैं। तो हमने फ्राई वाला मोदक तैयार किया है, देखिए बन गया है हमारा। तो हमने गणपति जी को चढ़ा भी दिए हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जब भी नए वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम नया वीडियो कुछ डालूँगी आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।